नसीम विकी साहिब से मेरा सवाल है। जी बेटा। नसीम विकी साहिब, अगर आपको पीएसएल की किसी टीम का ब्रांड एम्बेसडर बनने की ऑफर हो तो आप किसका इंतखाब करेंगे? मैं लॉर्ड कलंदर का। मेरा सवाल तो पूरा हो लेने दें। जी जी। ये भी याद है कि आपका काम बाउंड्री के बाहर हर चौके छक्के पर ढोल बजाना भी होगा। और वैसे बात सुने, फिर आपने इंतहाई गलत टीम का इंतखाब किया, लाहौर कलंदर को तो मौका ही नहीं मिला ढोल बजाने का। जिन्ना लाहौर कलंदर च मार जाने ढोल बजाने का किसी च भी नहीं है। कैसे? जित के खुशी च नहीं थी, उस ते चल ही रहा। लाहौर कलंदर ने जीतना तो है नहीं, फिर विकी भाई मेहंदी पे ढोल बजाएंगे। और ढोल पहले डगा लगा के उसको रिकॉर्ड करके बाद में खुद ही डांस करेंगे। मैं फिर ढोल बजा के वो जड़ा नहीं करता सिंह, उधर को क्या करना, कवाली कितने करना है। और पैसे कट्ठे करना है। और थले तो चुकना है। इधर की खुशियां जड़ी हैं। ये सिर्फ सैलरी मेरे ते जस्टिफिकेशन करना है। इसको जरा पूछूंगा, इसको लगाओ और विच एकदम उकाड़ा याद आ जाता है इन्हें। औला दी सौन जी, कुछ की हो रहा सी? तो सर आज सुहाना का सवाल क्या है? आज ये सवाल है कि सुहाना डिसाइड बैठी है कि फौरन भोज लेने ले लोग। सुहाना का सवाल आज का ये है कि वो कौन सा लफ्ज है जो होता कुछ है और लिखा कुछ जाता है। आज होता कुछ है लेकिन लिखा कुछ जाता है। बताए जी, जो बताएगा आप में से उसको नकद सिक्का रायजुल वक्त 200 नहीं, उन्होंने हाथ उठा दिया, मैं अपनी ऑफर वापस लेता हूँ। ये लफ्ज कुछ ही है। कुछ और है, लिखा कुछ जाता है। कुछ ना कहो। नाम क्या है आपका? तहमीना मुमताज। बस अल्लाह ने मुझे हाथ दे के बचाया मेरे 200 रुपए। कुछ ना कुछ तो देना ही पड़ता है।